मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें खबरदार किया था। कुछ बताओगे कि हुआ क्या है? आखिर कौन सा गुनाह सरजद हो गया है मुझसे? आज से तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो, सुन लिया? क्या? मैं समझी नहीं। मुराद, ये थोड़ी देर पहले क्या किया है तुमने? देखो आ गई टूअल। आज से हयात इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होगी, इसका काम किसी और को दे दो। मतलब क्या है तुम्हारा कि मैं नहीं हूँ इसमें? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। क्यों, अच्छा नहीं लगा? तुम मेरा फैसला नहीं मानोगे? मुराद, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात एक करके मैंने इस पर काम किया है। इतनी तेज आवाज में क्यों? प्लीज काम डाउन। कोई मुझे बताएगा ये सब क्या है? क्या मैं अकेला छोड़ सकती हूँ टूअल? बिल्कुल, जाती हूँ मैं। तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो उसके लिए जो अभी हुआ है? क्या मतलब है तुम्हारा? एमरे की वजह से कर रहे हो ना तुम ये सब कुछ? एमरे? काफी अच्छी दोस्ती हो गई उससे। हाँ, घुमा फिरा क्यों रहे हो तुम मुराद? सीधी बात करो मुझसे, आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट बात कर रहा हूँ यार, तुम अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो, बस। मुराद, तुम मुझे ऐसे निकाल कर नहीं जा सकते। इस कंपनी में पार्टनर हूँ मैं, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं अब। अगर मुझे निकालना ही था तो पहले ही रोक देते, और अब जबकि सारा काम हो गया है तो मुझे ही निकाल दिया। वो गजल तो बहुत ही बड़ी धोखेबाज निकली और पूरे 2,00,000 रुपए लेके भाग गई। लेकिन मुराद की माँ इस वक्त कहाँ है? ये बात तो मैं नहीं जानती। मेरे ख्याल से वो उस गजल के साथ हैं। ठीक है, अपने कान खुले रखो, कोई भी बात पता चले तो मुझे जरूर बताना। दारिया मैडम, क्या मैं चाय बना लूँ, आप पियेंगी? हाँ हाँ बना लो, लेकिन ग्रीन टी। ठीक है दारिया मैडम। सुनो, निजात कहाँ है? वो तो चले गए सुबह अपना सूटकेस लेकर, बहुत जल्दी में थे। सूटकेस लेके? कैसे सूटकेस, लेकिन कहाँ गए हैं? मुझे नहीं मालूम, बताकर नहीं गए। हेलो भाई साहब, यहाँ क्यों बुलाया हमें? और ये तो बताओ कि प्लान क्या है तुम्हारा? क्या तुम माँ को ढूंढने पर लगा रहे हो हमें? उन्हें तो तैमूर भी बहुत पहले से ढूंढ रहा है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। आपको हयात पर गुस्सा नहीं करना था भाई, ये तो हम में से किसी के साथ भी हो सकता था। देखा ना वो लड़की कितना मुश्किल में डाल गई। जी बोलें। दुरुक, आज क्या तुम्हारी बाबा से बात हुई? नहीं, मेरी तो उनसे कोई बात नहीं हुई। क्योंकि वो अपना सूटकेस लेकर गए हैं। कहाँ चले गए वो? मुझे पता होता तो तुमसे क्यों पूछती दुरुक, मोबाइल भी ऑफ जा रहा है उनका। अच्छा ठीक है, आप इतना परेशान ना हो सकता है वो रास्ते में हो, कॉल कर लेंगे। क्या तुम्हें पता है आज मुराद की माँ नजर आई थी मुझे, और उसी वक्त से तुम्हारे बाबा भी गायब है। क्या तुम्हें लगता है कि ये महज एक इत्तेफाक है? अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप फोन बंद करें, मैं देखता हूं उनको। क्या मसला दुरुक? कुछ नहीं भाई, बस वही, आप तो जानते हैं ना अम्मी को। मैं घर जाकर देखता हूं, फिर आपको कॉल कर दूंगा। टेलीफोन भी बंद है।
सुनो, मेरी मेडिसिन दे देना मुझे। अभी लेकर आई। आप अभी तक मेडिसिन खा रही अम्मी जान? अगर मैं आपकी जगह होती तो अब तक जहर मंगवा लेती। ठीक है तो मंगवा लो अपने लिए। अब और क्या करना चाहती हो? कि जो कुछ किया है वो काफी नहीं? इससे भी ज्यादा के हकदार हैं आप दोनों। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमने तुम जैसी औरत को अपनी बहू बना लिया है, इसलिए बहुत बुरा भुगत रहे हैं। क्या मतलब मेरे जैसी औरत? घबराए नहीं अम्मी जान, आपका बेटा फिर मिल गया है आपकी साबिका बहू से। आप लैला को इस घर में दोबारा वापस लाइए, उसके बाद याद आऊंगी मैं आपको। अब ये नया तमाशा क्या है? क्या कहना चाहती हो? मैं ये कह रही हूँ कि आपके बेटे का दिमाग खराब हो गया है। वो भी उसी दिन गायब हुआ जिस दिन उसकी एक्स वाइफ दिखाई थी। वो गया घर छोड़कर। आपको क्या लगता है ये महज इत्तेफाक है? या अल्लाह, हाय, ये तो बहुत छोटा कमरा है। हम दोनों यहाँ रहेंगे? क्यों? लगता है तुम वो दिन भूल रहे हो जब एक कमरे में तुम पांच लड़कियां रहा करती थी, याद नहीं क्या? ठीक है, अब हमारे पास पैसा है, हम अच्छी जगह रह सकते हैं। तुमने कमाया है ये पैसा? जी नहीं, आपने कमाया है, आपने मुराद को धोखा दिया। बकवास बंद करो, जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ, और हाँ सस्ता नहीं लेकर आना, और मेरे लिए ड्रिंक जरूर लेकर आना। कैसी ड्रिंक? क्या मैं इसलिए आपको हॉस्पिटल से लेकर आई हूँ? आपके लिए अच्छा होगा अभी ऐसा ना करें। मुझे मशवरा नहीं चाहिए तुम्हारा, जो कहा है वो करो। तुम्हारा बाप जवानी में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। तुम जा रहे हो, मेरा इंतजार नहीं करोगे? तुम क्यों जाओगी वहां? मैं थोड़ी देर में रेडी हो जाती हूँ, बस दो मिनट दो मुझे। मैं सलीस उर्दू में बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? हयात, तुम विंटर टेल्स प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? बताओ तो जरा, जब कंपनी से सब आ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं आऊंगी? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ। ये तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म है? नहीं, लेकिन इस वक्त मैं प्रोफेशनलिज्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त हम घर पे हैं, कंपनी में नहीं, सिर्फ एक शौहर के हिस्से से बात कर रहा हूँ। हाँ सही कहा। अच्छा तो शौहर हो तुम मेरे, और अगर मैं इनकार कर दूं? ओ वाकई, कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, अगर तुम चाहती हो तो इस मौजू पे हम बात कर सकते हैं। मिस हयात, छोड़ो मुझे। ओके तो मैं जा रहा हूं, और वहां जाके सबको कह दूंगा कि मिस हयात की तबीयत खराब है और वो यहां पे रेस्ट कर रही है। ठीक है ना? करो रेस्ट। ये क्या बात है, मेरी कोई अहमियत ही नहीं, बस ऑर्डर दिया और चल दिया। मैं कोई तुम्हारा खिलौना नहीं जो उंगलियों पर ना चाहोगे। याद रखना कि मेरा नाम हयात है। Love's an unlamar.